सो गाइस, मैं हूं देव और आज की इस वीडियो में अब हम बात करने वाले हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ केमिकल शिफ्ट। ये हमारा सेकंड वीडियो है केमिकल शिफ्ट का, जिसमें हम फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ केमिकल शिफ्ट के बारे में बात करने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे केमिकल शिफ्ट की वैल्यू को अफेक्ट करते हैं, उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उसमें से सबसे पहला है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम किस तरीके से अफेक्ट कर सकता है हमारे केमिकल शिफ्ट की वैल्यू। देखो, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू का मतलब इसे समझ लेते हैं कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम किस तरीके से अफेक्ट करता है। तो देखो, जब भी हम सिग्नल लेते हैं तो किस तरीके से लेते हैं, मान लो ये यहाँ पर हमारे प्रोटोन का सिग्नल आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है 3.0 ppm पर सिग्नल आ रहा है, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, देखो यहाँ पर प्रोटोन का सिग्नल आ रहा है, अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इस प्रोटॉन के पास मैं लगा दूंगा तो क्या अफेक्ट पड़ेगा, किस तरीके से सिग्नल के ऊपर अफेक्ट पड़ेगा, कहां पर सिग्नल आने वाला है उसका, अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जोड़ देता हूं उस एक हाइड्रोजन एटम से। अब देख, डायरेक्ट तो हम किसी भी प्रोटॉन से डायरेक्ट तो हम एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जोड़ नहीं सकते, हम किस तरीके से जोड़ सकते हैं, मान लो ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन हमारा सिग्नल दे रहा है 3.0 पर, तो अगर मैं इस कार्बन से एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जोड़ देता हूं तो किस तरीके से अफेक्ट पड़ेगा। तो देखो, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की का फंक्शन जो होता है वो हम जानते हैं कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेता है, यानी कि अब देखो यहां पर अगर इसे हटा दे तो ये नॉर्मली है CH बॉन्ड, सी कार्बन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इतना ज्यादा फर्क नहीं है, इसलिए यहां पर जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है इस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है वो बीच में ही रहेंगे। लेकिन अगर मैं यहां पर एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ले आता हूं तो यहां पर अब ये कार्बन है, ये भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बन चुका है, यानी कि इसके पास भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉनों को खींचने की पावर आ चुकी है इसकी वजह से, क्योंकि ये है, ये इससे खींचेगा और ये खींचेगा इससे, तो ये इससे खींचेगा तो यहां पर बीच में इलेक्ट्रॉन न रह करके यहां पर इस कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, इसके चारों तरफ यानी कि ये जो प्रोटॉन है इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगी तो सोचो प्रोटेक्शन घट जाएगा, अब इस प्रोटॉन के चारों तरफ जो प्रोटेक्शन है वो घट गया तो ये डीशील्डेड फील करेगा, शील्डेड फील नहीं करेगा, शील्डेड मतलब शील्डिंग मतलब प्रोटेक्टेड फील नहीं करेगा, डीशील्डिंग डीशील्डेड फील करेगा। अब डीशील्डेड फील करेगा तो इसका जो सिग्नल आएगा वो डाउन फील्ड में आएगा, क्योंकि अगर ये डीशील्डेड फील करेगा तो इसकी प्रेसेशन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। प्रेसेशन फ्रीक्वेंसी कैसे बढ़ेगी कि क्योंकि हमारा जो जितना हम अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड डाल रहे हैं वो पूरा हमारे न्यूक्लियस तक पहुंच रहा है, कोई शील्डिंग इफेक्ट काम नहीं कर रहा, कोई प्रोटेक्शन काम नहीं कर रही जो कि अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को थोड़ा रोक दे उस न्यूक्लियस तक, इस न्यूक्लियस तक पहुंचने के लिए, इस प्रोटॉन तक पहुंचने के लिए। अब इस प्रोटॉन तक पूरा का पूरा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड पड़ रहा है तो इसका प्रेसेशन उस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करेगा, जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये भी बढ़ेगा। तो अगर हम 1.41 टेस्ला पर वर्क कर रहे हैं, 1.41 टेस्ला पर काम कर रहे हैं तो हमारा प्रेसेशन फ्रीक्वेंसी फास्ट होगा। अब प्रेसेशन फ्रीक्वेंसी फास्ट होगा तो उसे मैच कराने के लिए, रेडियो वेव्स से मैच कराने के लिए हमें हाई रेडियो वेव्स की जरूरत पड़ेगी। अब हाई रेडियो वेव की जरूरत पड़ेगी तो हमारे सिग्नल डाउन फील्ड में आएंगे, यानी कि इस तरफ आएंगे जिसमें डेल्टा वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। तो देखो किस तरीके से हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम किस तरीके से अफेक्ट करता है वो हमने समझ लिया है, अब लिखना कैसे है वो देख लेते हैं। इसे मिटा देते हैं पहले, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम किस तरीके से अफेक्ट डालता है, इफ वी अटैच इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, देखो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप। अब सोचो इस प्रोटॉन के पास ऐसे ग्रुप होंगे, इस प्रोटॉन के पास ऐसे ग्रुप होंगे जो इलेक्ट्रॉन दे, यानी कि इस प्रोटॉन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा दे। अब देखो यार, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर यहां पर जितनी ज्यादा होगी ना उतना ज्यादा ही ये प्रोटेक्टेड फील करेगा, और प्रोटेक्टेड फील करेगा तो इसका सिग्नल अप फील्ड में आएगा, क्यों, क्योंकि इसकी प्रेसेशन फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, क्योंकि इसे कवर कर लेंगे, क्योंकि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसे कवर कर लेगी, पूरा पूरा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इस पर नहीं पड़ने देगी। तो
इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देते हैं इस प्रोटॉन के पास, या फिर अगर इसकी जगह हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इफ यू अटैच लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम nearest to the proton, then proton feels shielding effect, यानी कि अगर इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जोड़ देते हैं या फिर लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रहता है तो ये प्रोटोन शील्डेड फील करता है, शील्डिंग इफेक्ट फील करता है ये प्रोटोन, जिससे ये प्रोटेक्टेड फील करता है एक तरीके से। शील्डिंग का मतलब होता है प्रोटेक्टेड फील करना, ठीक है। एंड ड्यू टू शील्डिंग डेल्टा वैल्यू आर लो बिकॉज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द प्रोटोन। अब सोचो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ चुकी है तो ये सिग्नल कहां पर देगा, अप फील्ड में, यानी कि यहां पर इस तरीके से देगा। ये जीरो है, ये एक दो तीन चार, ये डेल्टा वैल्यू है, तो ये यहां पर सिग्नल देगा। अगर यहां पर जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती जाएगी इसकी, उतना ज्यादा ये प्रोटेक्टेड फील करेगा, इतना ज्यादा शील्डिंग फील करेगा, शील्डेड फील करेगा, और यहां पर अप फील्ड पर इसका सिग्नल आएगा, यानी डेल्टा वैल्यू क्या है, लो है। अगर यहां पर शील्डिंग इफेक्ट ना लगे तो इसकी जो डीशील्डिंग इफेक्ट लगे तो इसका सिग्नल डाउन फील्ड में आएगा, जिससे डेल्टा वैल्यू बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये होता है। अगली चीज क्या है, ऑन द अदर हैंड इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द प्रोटॉन एंड ड्यू टू दिस प्रोटॉन गिव्स द सिग्नल इन अप फील्ड, सॉरी यहां पर डाउन फील्ड आएगा, ठीक है। अगर मान लो इस प्रोटॉन के पास हमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ दे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं, तो इस प्रोटॉन के पास अगर हम जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देंगे उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास कम हो जाएगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके चारों तरफ घटती जाएगी, जिससे क्या होगा, जिससे इसका जो सिग्नल है वो डाउन फील्ड में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये जब प्रोटेक्टेड फील करेगा ही नहीं, पूरा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड पड़ेगा। अब पूरा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड पड़ेगा तो इसकी प्रेसेशन फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी। अब प्रेसेशन फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो हमारी जो रेडिएशन है, जो हम रेडियो वेव यूज कर रहे हैं, वो भी हमें ज्यादा डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये होता है इसमें। तो सिग्नल कहां पर आएगा, डाउन फील्ड में सिग्नल आएगा। अगर हम एग्जांपल की बात करें, हम दो एग्जांपल लेंगे, कौन कौन से वो देखते हैं। लेट वी अज्यूम वी हैव मेथिल क्लोराइड एंड मेथिल फ्लोराइड। वी नो दैट फ्लोरीन इज ए हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, सो इट डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द प्रोटोन ऑफ CH3F। ड्यू टू दिस प्रोटोन फील्ड डीशील्डिंग एंड गिव्स द सिग्नल इन डाउन फील्ड एज कंपेयर टू मेथिल क्लोराइड प्रोटोन। अब देखो यहां पर क्या होता है, हमारे पास दो एग्जाम्पल है, मेथिल क्लोराइड, मेथिल फ्लोराइड। अब मेथिल फ्लोराइड में फ्लोरीन है और मेथिल क्लोराइड में क्लोरीन है। अब फ्लोरीन जो होता है वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है और क्लोरीन थोड़ा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, जितना ज़्यादा खींचने इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर होगी, उतनी ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये कम करेगा। यहाँ पर अगर मैं, यहाँ पर हमारे पास एक फ्लोरीन है और दूसरा केस है यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर क्लोरीन है, तो यहाँ पर ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, यानी कि ये ज़्यादा ताकतवर एटम है, तो यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज़्यादा खींच लेगा इसकी तरफ, इस कार्बन की तरफ ज़्यादा खींच देगा, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादा खींच देगा और यहाँ पर इतना नहीं खींच पाएगा, यानी कि ये जो प्रोटोन है ये ज़्यादा डीशील्डेड फील करेगा एज कम्पेयर टू इसके, इसकी वजह से इसका जो सिग्नल है, अब देखो जितना ज़्यादा डीशील्डेड फील करेगा उतना ही डाउन फील्ड में हमारा सिग्नल आएगा। अब देखो ये बहुत ही ज्यादा डीशील्डेड फील कर रहा है, इसके कंपैरिजन में तो कर ही रहा है, इसलिए इसका सिग्नल ज्यादा डाउन फील्ड में आएगा एज कंपेयर टू इसके। तो देखो यहां पर हमने शो भी कर रखा है, ये अप फील्ड है, ये डाउन फील्ड है, और जो डेल्टा पीपीएम की जो वैल्यू है, ये देखो ये डेल्टा पीपीएम की वैल्यू ही है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर डिपेंड कर रही है। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हम जोड़ेंगे प्रोटॉन के पास, उतना ही हमारा प्रोटॉन का सिग्नल डाउन फील्ड में आता जाएगा। अब देखो यहाँ पर हमने ये रियल वैल्यू लिख रखी है,
कि कहां पर किसका सिग्नल आएगा। अगर हम मेथिल आयोडाइड की बात करें तो इसके जो प्रोटॉन है उनका सिग्नल 2.16 ppm पर आता है, और मेथिल ब्रोमाइड का आता है 2.86 पर, मेथिल क्लोराइड का आता है 3.05 पर, और मेथिल फ्लोराइड का आता है 4.26 पर। देखो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जा रही है, यहां तक देखो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जा रही है, सिग्नल प्रोटॉन का सिग्नल डाउन फील्ड में आ रहा है। अब यहां पर देखो यहां पर क्या हो रहा है, अब दो दो हमने इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जोड़ दिए हैं, अब यहां पर तीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जोड़ दिए हैं इस प्रोटॉन पर। ये प्रोटॉन हाईली डिसिलेटेड फील करेगा जिससे ये 7.27 पर सिग्नल देगा। इस तरीके से हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अफेक्ट डालता है केमिकल शिफ्ट की वैल्यू पर। ठीक है, ये है हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बारे में कि किस तरीके से अफेक्ट डालता है, और इसकी जो डेल्टा पीपीएम की वैल्यू होती है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन देखो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारे जो डेल्टा पीपीएम की वैल्यू है वो भी बढ़ती जा रही है। अगली चीज हाइब्रिडाइजेशन, ये हमारा सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट अफेक्ट है केमिकल शिफ्ट को अफेक्ट करने के लिए। तो हाइब्रिडाइजेशन इज द सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट अफेक्ट ऑफ केमिकल शिफ्ट। ठीक है, इफ वी टॉक अबाउट प्रोटॉन अटैच्ड टू sp3 कार्बन, देखो हमारे पास तीन तरीके के प्रोटॉन हो सकते हैं जो कि अलग अलग हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ जुड़े हो सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो हम यहाँ पर कर लेते हैं, एक हाइड्रोजन ये है जो कि यहाँ पर जो कार्बन है उससे जुड़ रहा है, एक हाइड्रोजन ये जो भी कार्बन से, यहाँ पर हाइड्रोजन ये भी कार्बन से। अब ये कार्बन जो है ये sp2 है, तो देखो यहां पर इस तरीके से होगा, वो ये sp3 है तो ये इस तरीके से होगा। ठीक है, ये sp है और ये है यहां पर सिंगल बॉन्ड है, तो ये क्या है, ये sp3 है। और हमें पता है जब s कैरेक्टर अगर बढ़ता है, याद रखना जब s कैरेक्टर बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। अब इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इसके और इसके, इसके बाद इसकी होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और सबसे कम होती है इस sp3 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, सोचो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उन इलेक्ट्रॉन की यहां पर बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न होकर के इस कार्बन की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट कर देगी। तो सोचो इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर न होकर के यहां पर होनी चाहिए, और यहीं पर होती है इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी कि इस कंडीशन में जो हाइड्रोजन जो प्रोटॉन है वो डिसिलेटेड फील करता है। अब डिसिलेटेड फील करता है तो डाउन फील्ड में सिग्नल देगा, यही है। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव किस तरीके से अफेक्ट डाल रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी यहां हाइब्रिडाइजेशन में भी इफेक्ट डाल रही है, लेकिन वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यूज कर रहे थे, यहां पर हम एस कैरेक्टर यूज कर रहे हैं। एस कैरेक्टर देखो इसमें एस कैरेक्टर कितना है, एसपी में एस कैरेक्टर है 50% और 50 ही पी कैरेक्टर है, यहां पर हमारा एस कैरेक्टर है 25% और 75% पी कैरेक्टर है, और यहाँ पर हमारा 33.33 एस कैरेक्टर है। तो यहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा एस कैरेक्टर है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा, यानी कि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन होगा। ठीक है, तो ये होता है। अब यहाँ पर ये देख लेते हैं, अगर sp3 कार्बन एटम से कोई प्रोटॉन जुड़ रहा है तो उसका सिग्नल हमेशा 0 से 2 ppm के बीच में आएगा, क्योंकि देखो ये जो है ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को नहीं खींचेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहीं पर रहेगी, यानी कि प्रोटॉन जो है वो शील्डेड फील करेगा, प्रोटेक्टेड फील करेगा, इसलिए इसका सिग्नल डाउन फील्ड में न आकर के अप फील्ड में आएगा, इसलिए 0 से 2 ppm पर इसका सिग्नल आता है। किस प्रोटोन का सिग्नल आता है, उस प्रोटोन का जो sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, लेकिन कंडीशन क्या है, ये जो sp3 कार्बन है, ये जो कार्बन है sp3 कार्बन, ये कोई भी यहां पर कोई हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं जुड़ना चाहिए, ये क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन ये नहीं जुड़ने चाहिए, सादा ही या तो यहां पर कार्बन होना चाहिए या फिर यहां पर हाइड्रोजन होनी चाहिए। ठीक है, कार्बन होंगे हाइड्रोजन होंगे चलेगा, लेकिन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं होने चाहिए। दूसरी कंडीशन, दूसरे की अगर बात करें, दैट मींस इसका मतलब क्या है, दैट मींस एल्कीन्स प्रोटॉन आर हाईली शील्डेड बट द कंडीशन इज नो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच्ड टू विद कार्बन, यानी कि जो
एल्केन्स जो होते हैं उनमें जो प्रोटोन है ये हाईली शील्डेड होता है, और कंडीशन क्या है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं होने चाहिए इससे अटैच, इस कार्बन से अटैच कोई हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं होने चाहिए। अगली चीज, इफ यू टॉक अबाउट प्रोटोन अटैच्ड टू sp2 कार्बन, यानी कि ऐसे प्रोटोन के सिग्नल की बात कर रहे हैं अब हम जो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि इस कार्बन से हाइड्रोजन जो जुड़ रहा है उसकी बात कर रहे हैं। देन विनाइलिक प्रोटोन, देखो विनाइलिक प्रोटोन ये होता है, ये विनाइलिक कार्बन होता है, इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन विनाइलिक हाइड्रोजन होता है। तो ये जो विनाइलिक हाइड्रोजन है, देखो यहाँ पर ये जो कार्बन है ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है, तो sp2 विनाइलिक हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ मैं। विनाइलिक हाइड्रोजन गिव्स द सिग्नल, एल है यार, गिव्स द सिग्नल इन बिटवीन 4.5 to 7 ppm, यानी कि इसका डाउन फील्ड में सिग्नल आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये हाई इलेक्ट्रो थोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ चुकी है इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर की वजह से, इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लेगा जिससे ये डीप्रोटेक्टेड फील करेगा। अब डीप्रोटेक्टेड फील करेगा तो डाउन फील्ड में सिग्नल देगा, इसलिए 4.5 to 7 ppm पर इसका सिग्नल आता है। sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू sp3 कार्बन, क्योंकि हमें पता है कि जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है एज कम्पेयर टू sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के। ठीक है, अगली चीज, ड्यू टू परसेंटेज एस कैरेक्टर, हमें पता है परसेंटेज एस कैरेक्टर की वजह से ऐसा होता है। एरोमेटिक प्रोटोन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड गिव्स द सिग्नल इन बिटवीन 7 to 8 ppm। अगर हम बेंजीन की बात करें तो बेंजीन का जो ये कार्बन है, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, और यहाँ पर हमें पता है हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होता है, ये हाइड्रोजन हमें सिग्नल देता है 7 to 8 ppm। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है यहाँ पर एनिसोट्रोपी पाई जाती है, इसका रीजन है यहाँ पर एनिसोट्रोपी पाई जाती है, या एनिसोट्रोपी मैग्नेटिक एनिसोट्रोपी इफेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बाद बात करेंगे। इसके बाद थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट है उसके बारे में बात करेंगे, उसी के कारण इसका सिग्नल 7 to 8 ppm पर आता है। दूसरा रीजन क्या है, ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है जिसलिए यहाँ पर हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लेगा, इसलिए थोड़ा डाउन फील्ड में आएगा, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि इतना ज़्यादा डाउनफील्ड में नहीं आना चाहिए। ये इतना ज्यादा डाउनफील्ड में इसलिए आता है, इसका रीजन है मैग्नेटिक एनिसोट्रोपी, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इसका जो थर्ड इंपॉर्टेंट इफेक्ट है ना, वह मैग्नेटिक एनिसोट्रोपी ही है। ठीक है, अगली चीज क्या है, एसिटिलीन प्रोटोन गिव्स द सिग्नल इन बिटवीन 2 to 3 ppm ड्यू टू एनिसोट्रोपी इफेक्ट। देखो यार, हमें पता है ये अगर हमारा ये प्रोटोन जो है, ये जो कि sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ रहा है, ये प्रोटोन 4 to 7 ppm के बीच में सिग्नल दे रहा है, ये कार्बन जो कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव बन चुका है एस कैरेक्टर की वजह से, तो सोचो sp कार्बन जो है वो तो बहुत ज़्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए एज कम्पेयर टू इसके कंपैरिजन में ये हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर इस प्रोटॉन के पास तो मिनिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होनी चाहिए जिससे ये डीशील्डेड फील करेगा, और ये इसका जो सिग्नल है ये और भी ज़्यादा डाउन फील्ड में आना चाहिए, इसके कंपैरिजन में डाउन फील्ड में इसका आना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एसिटिलीन जो है, इसका जो प्रोटोन है, देखो एसिटिलीन कहाँ पर है, एसिटिलीन ये है H C CH, ये एसिटिलीन है, इसका जो ये प्रोटोन है इनका सिग्नल 2 to 3 ppm पर भी आता है, यानी कि अपफील्ड में आता है। अपफील्ड में आना नहीं चाहिए क्योंकि ये जो प्रोटोन है ये है एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से जुड़े हुए हैं जिसके पास परसेंटेज एस कैरेक्टर 50% है, इसलिए इसका सिग्नल बहुत ही डाउनफील्ड, ज़्यादा डाउनफील्ड में आना चाहिए, लेकिन आ कहाँ पर रहा है, आ रहा है हमारा अपफील्ड में। इसका रीजन क्या है, एनिसोट्रोपी इफेक्ट, इसके बारे में हम अगले सेक्शन में बात करेंगे कि क्या होता है एनिसोट्रोपी इफेक्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो यहां पर देखो सिग्नल आ रहे हैं,
ये सिग्नल जो है ये हमारे sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के हैं, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़े हुए प्रोटॉन के हैं। तो देखो यहाँ पर अगर हम इस कार्बन की बात करें जो कि 1 डिग्री कार्बन है और इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन हमारे 0 से 0.7 से 1.3 ppm के बीच में सिग्नल देंगे। और दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है ये कार्बन, इस कार्बन से जुड़े हुआ प्रोटोन, ये जो कार्बन है ये 2 डिग्री कार्बन है। देखो 1 डिग्री कार्बन कौन सा होता है, ये कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ पर सारे के सारे हाइड्रोजन ही जुड़े हुए हैं यहाँ पर कार्बन, ठीक है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन, अब ये यहाँ पर कार्बन, ठीक है। अब ये जो कार्बन है ये 2 डिग्री कार्बन है क्योंकि ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये है 2 डिग्री, ये है हमारा 1 डिग्री। तो 1 डिग्री का जो प्रोटॉन है ये प्रोटॉन हमें सिग्नल देता है 0.7 से और 1.3 ppm के बीच में, और ये जो प्रोटॉन है ये 2 डिग्री हाइड्रोजन, ये 2 डिग्री कार्बन के जो प्रोटॉन है इनका सिग्नल 1.2 से 1.4 के बीच में आता है, ये 1.4 है, 1.4 ppm के बीच में 2 डिग्री कार्बन का प्रोटॉन सिग्नल देता है। अब 3 डिग्री कार्बन का प्रोटॉन, देखो 3 डिग्री कौन सा होता है, 3 डिग्री ये होता है कार्बन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन और यहाँ पर एक हाइड्रोजन, ये है 3 डिग्री कार्बन, इससे जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है ये हमें सिग्नल देता है 1.4 ppm से 1.7 ppm के बीच में। यानी कि इस तरीके से हमारे sp3 कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन के सिग्नल आते हैं जो कि 1 ppm से 2 ppm या फिर 0 ppm से हमारे 2 ppm के बीच में सारे के सारे सिग्नल हमें देखने को मिल जाते हैं। अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है परसेंटेज एस कैरेक्टर, हमें पता है परसेंटेज एस कैरेक्टर sp में ज़्यादा है, sp2 में कम है, उससे कम sp3 में है, और जो परसेंटेज एस कैरेक्टर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी कि जैसे जैसे परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी, यानी कि यहाँ पर जो sp हाइब्रिडाइज कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू इसके और इसके। तो ये है 2 इफेक्ट, एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्ट, एक है हाइब्रिडाइजेशन इफेक्ट। अगला हमारा इफेक्ट होगा एनिसोट्रॉफी इफेक्ट, कि क्या होता है एनिसोट्रॉफी इफेक्ट।